गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 क्या है? कंस्ट्रक्शन। दैट मींस हम लोग कंस्ट्रक्शन किस टाइप का कंस्ट्रक्शन हमें इसमें दिया गया है क्लास 9 में वो कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करने से पहले लाइन बाईसेक्टर क्या होता है ये देखते हैं। लाइन बाईसेक्टर का मीनिंग क्या है? दैट मींस ये किसी भी लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट जो है इसको बाईसेक्ट करना, बाईसेक्टर दैट मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है? हम लोग किसका यूज करेंगे? इसमें राउंडर का यूज करेंगे, ठीक है। उससे हम लोग ऐसे मेजर करके नहीं करना है, हम लोग को कैसे करना है? राउंडर का यूज करके टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ये देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब आर्क रखते हैं अपने राउंडर का, तो मोर देन हाफ लेते हैं। कितना लेना है? मोर देन हाफ लेके आप एक आर्क कट करोगे, ठीक है। उतने का ही आर्क आप नीचे भी कट करोगे, जस्ट यहाँ से भी उतने का ही आर्क कट करना है, यहाँ से भी आर्क कट करना है। फिर ये दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे, तो ये लाइन क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे AC और BC दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। AC इक्वल होगा BC का। तो इस तरीके से लाइन बाइसेक्टर फाइंड किया जाता है। दैट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में किसी लाइन को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर किस तरीके से किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। अगर कोई एंगल हमें गिवन है तो उसको हम लोग बाइसेक्ट किस तरीके से करते हैं ना? एंगल बाइसेक्टर, सेकेंड एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। दैट मीन्स अगर कोई एंगल हमें पता है कि ये एंगल कितने की एंगल होता है, ठीक है, 30, 60, 45 कितने भी एंगल है, इस एंगल को क्या करना है? बाइसेक्ट करना। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने राउंडर से यहाँ एक आर्क कट करोगे। इस तरीके से आप राउंडर से आर्क कट करोगे। राउंडर से आर्क कट करने के बाद ये जो दो पॉइंट मिला, इस दोनों पॉइंट से आप राउंडर से यहाँ आर्क कट करोगे सेम रेडियस का, और उतने ही रेडियस का आर्क आप यहाँ कट करोगे। तो इस तरीके से जब यहाँ से आप आर्क कट करोगे और यहाँ से आर्क कट करोगे, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में, इसके सेंटर से आप इसको ज्वाइन करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जो लाइन बनेगा ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये जो एंगल होगा बीएसी, जो एंगल है वो टू इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाएगा। दो इक्वल एंगल, दैट मीन्स अगर हम लोग इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, तो क्या हो जाएगा? एंगल बीएडी इक्वल होगा एंगल सीएडी के, एंगल सीएडी के, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर फाइंड किया जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर दोनों हमें अच्छे से पता रहना चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड किया गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें गिवन है वो हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 11.1, इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और उसका कंस्ट्रक्शन को क्या करना है? जस्टिफाई करना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे 90 डिग्री? इसमें हम लोग रे से बनाना है, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोटेक्टर से डायरेक्ट बना दिए। प्रोटेक्टर से एंगल बनाना तो आप पहले से सीखते आए हो, लेकिन आपको प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है। तो आप पहले एक रे लिए, ये रे है, अब इस पे कितना डिग्री बनाना है? इसके इनिशियल पॉइंट में 90 डिग्री बनाना है। अब 90 डिग्री आप कैसे बनाएंगे ये पहले समझें। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग एक रेडियस का सेमी सर्कल बनाएंगे। किसी भी रेडियस का एक क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल बनाएंगे। एक रेडियस का सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब जिस रेडियस का आप सेमी सर्कल ड्रॉ किए हो उसी रेडियस का आर्क कट करना है यहाँ से 1, 2,
ये थर्ड। जब आप तीन आर कट करोगे तो ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट मींस ये जो सेमी सर्कल है ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो जब आप ये तीन इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो वो क्या होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तीन इक्वल आपको कट करना चाहिए, 60 60 डिग्री में डिवाइड कर हो जाएगा। अब हमें कितने बनाना है, 90 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री एंगल बनाओ। तो हम लोग 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, ये 60 है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 120 है, कितना 120 यहाँ से यहाँ तक ना। तो ये 60 और 120 का अगर हम लोग बाइसेक्टर फाइंड करते हैं, इसका 60 और 120 का बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो हम लोग को 90 डिग्री बनेगा। कैसे चेक करते हैं, ये अगर एक एंगल कितना है 60, सेकेंड एंगल कितना है 120, तो 60 प्लस 120 अपॉन 2 करेंगे। बाइसेक्टर का मीन क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो इसलिए पहले दोनों को ऐड कर रहे हैं और अपॉन 2 कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या एंगल आएगा, 60 प्लस 120 180 अपॉन 2, दैट मींस यहां से कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। समझ में आ रहे, तो 60 और 120 का बाइसेक्टर फाइंड करने से कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो हम लोग बाइसेक्टर फाइंड करें, कैसे बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ना। अब यहां से एक आर्क का किसी भी रेडियस का आर्क कट करेंगे, ये उतने ही रेडियस का यहां से भी आर्क कट करना है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, हमें ज्वाइंट करना है, ये हम यहां से ज्वाइंट करेंगे। तो जब इसको ज्वाइंट करेंगे ये वाला एंगल, तो ये ज्वाइंट करने से ये जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का। रीजन क्या है, क्योंकि ये 60 और 120 का बाइसेक्टर है और 60 120 का बाइसेक्टर कितना बनेगा 90 डिग्री। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से एंगल हमने बना लिया 90 डिग्री। अब इसको क्या बोल रहे हैं, उसमें जस्टिफाई करना है। तो हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई कर रहे हैं कि 90 होगा या नहीं होगा। जस्टिफाई करने के लिए यहां पे हम लोग पूरा नाम दे देते हैं इसका, ओ ए बी और ये सी, ये पॉइंट है। ओ ए सी जो होगा वो टोटल कितने का होगा, 180 डिग्री। दैट मींस एंगल ओ या ए ओ सी बोले, ए ओ सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यहां से पूरा यहां तक का एंगल जो बनेगा वो क्या होगा 180 डिग्री। हमने इसका बाइसेक्टर फाइंड किया है, तो बाइसेक्टर दैट मींस ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ए ओ बी और बी ओ सी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी दो इक्वल पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किए हमने और ये दोनों पार्ट क्या होगा इक्वल होगा। रीजन हमने क्या बनाया है, बाइसेक्टर बनाया है, तो इसलिए दोनों पार्ट क्या होगा इक्वल होगा। तो ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, दैट मींस क्या होगा, एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी को भी मैं क्या लिख सकता हूं, एओबी, एओबी दोनों इक्वल है 180। तो यहां से दोनों को ऐड करोगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस एंगल एओबी इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट मींस एंगल एओबी इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट मींस 90। तो ये कितना डिग्री बन गया हमको 90। इस तरीके से हमको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ये कंस्ट्रक्ट करना है और ये जस्टिफाई। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अगर इसमें हम लोग को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्टिफाई बोला है तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे हैं, केवल जस्टिफाई करते ही लिख रहे हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45, फिर हम लोग 45 एंगल बनाना है और उसको जस्टिफाई करना है। सेम ऐसे आप 90 बनाएंगे और 90 का क्या बना देंगे, बाइसेक्टर। 90 का बाइसेक्टर करने से क्या मिलेगा हम लोग को, 45। 90 का बाइसेक्टर 45 होगा, 90 का हाफ 45 होगा, तो इस तरीके से 45 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। हम लोग को कुछ एंगल भी बनना है, तो इस एंगल को हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे ये देखते हैं। थर्ड कौन सा एंगल बनाया, इसमें सेकंड बनाया,
22.5 seconds. 22.5 degrees. 22.5 degree बनाने के लिए हम लोग कैसे बना रहे हैं देखो. ये सबसे पहले रे है, एंगल बनाना स्टार्ट वहीं से करना है. सबसे पहले आप इसको सेमी सर्कल बनाओगे. सेमी सर्कल बनाने के बाद इसमें तीन आर कट करना है. तीन आर कट करने से ये 60, ये 180, ये 120, ये 180 में डिवाइड करना है. अब हम लोग को 22.5 बनाना है. 22.5 किसका हाफ होता था? 45 का हाफ होता है. तो सबसे पहले हम लोग कितना बनाएंगे? 45 बनाने के बाद उसका हाफ कर देंगे तो हमको 22.5 मिल जाएगा. तो 45 कैसे बनाओगे? पहले 90 बना लेते हैं. तो 90 60 और 180 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो 60 180 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा. ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? 90 डिग्री. ठीक है, ये एंगल हमें क्या मिल गया? 90. अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? बाइसेक्ट करना है. 90 और ये क्या है? 0. 90 और 0 का बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या एंगल बनेगा? तो बाइसेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? 90 प्लस 0 अपॉन 2, दैट मींस 90 अपॉन 2, दैट मींस 45. तो हमें क्या एंगल मिलेगा? 45 डिग्री. पहले कितना मिलेगा? 45 डिग्री. तो यहां से और यहां से इन दोनों पॉइंट से आर्क कट करेंगे सेम आर्क सेम रेडियस का. तो यहां एक आर्क कट किया और यहां से एक आर्क कट किया. तो यहां से जब इसको हम लोग जॉइंट किए तो ये हमें जो एंगल मिला ये एंगल कितने का है? 45 डिग्री का. एंगल कितने का है? 45 डिग्री. हमें क्या बताना है? 22.5, दैट मींस 45 का भी था. 45 का कितना होता है? 22.5. तो 45 का हाफ कैसे निकालेंगे? कहां कहां से आर कट कर रहे हैं? ये 45 से और ये 0 से ऐड करके देखो. 45 प्लस 0 अपॉन 2, दैट मींस 45 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 22.5. इस तरीके से हमें जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 22.5. तो 45 का बाइसेक्टर फाइंड करो. 45 का बाइसेक्टर कैसे होगा? 0 से आर कट करो और कितना है? 45 से आर कट करो. यहाँ से आर कट करने के बाद ये जो एंगल हमें मिलेगा ये एंगल ही हमारा क्या होगा? 22.5 होगा. ये एंगल 22.5 डिग्री का एंगल होगा. इस तरीके से हम लोग को जो भी कंस्ट्रक्ट करना है वो ये फार्मूले का यूज करते हुए दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो बाइसेक्टर मिलता है. उसका यूज करते हुए क्या करना है? हमें एंगल बनाना है. तो जो भी एंगल बनाना है वो इस तरीके से. अब ये एंगल बनाने के बाद आपको इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप पूरा ऑनवर्ड में लिख सकते हो. सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाया था. 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या किया थे? एक रेडियस का सेमी सर्कल बनाया था. उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला? 60 डिग्री और 120 डिग्री से क्या किया हमने? आर कट किया. आप इसको पॉइंट ए बी सी करके कुछ भी ना कर. आर कट किया तो हमें एंगल क्या मिला? 90. 90 का बाइसेक्टर किया तो हमें 45 मिला. 45 का बाइसेक्टर किया तो 22.5. इस तरीके से ऑनवर्ड में आप लिख सकते हो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन में कुछ एंगल बनाने को दिया गया है. देखते हैं किस तरीके से एंगल बनेगा. क्वेश्चन नंबर फोर्थ का एक क्वेश्चन कर लेते हैं. कौन सा क्वेश्चन करेंगे? फोर्थ 135 डिग्री. 135 डिग्री. थर्ड है 135 डिग्री. अब फिर 135 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. सेमी सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 60, 120 और 180 हम लोग को मिल गया. 60, 120 एंड 180. इस तरीके से ये तीनों एंगल ज्वाइन हो गए. अब ये 120 है और ये कितना है? 180. ठीक है, 120 और 180 ये दोनों तो हमें पता है. तो इसके बीच में क्या एंगल बनेगा हम लोग पहले ये सोच देखते हैं. 120 और 180 के बीच, क्योंकि इसके हम लोग डायरेक्ट 135 नहीं बना सकते. प्रोटेक्टर का यूज करके बना सकते लेकिन आपको प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है.
राउंडर से बनाना है। तो पहले इन दोनों के बीच में से आपने एक काम को करते हैं 120 प्लस 180 अपॉन 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 300 अपॉन 2 दैट मींस 300 अपॉन 2 करेंगे तो 150। तो हम लोग जब इसमें बाईसेक्टर फाइंड करेंगे 135 का इसका मतलब 120 से ज्यादा होगा ये सोचते हुए हम लोग इस दोनों का बाईसेक्टर फाइंड करेंगे। तो यहां से जब आप आर कट करोगे और यहां से आर कट करोगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा 150 डिग्री। ये जो एंगल बना ये एंगल कितना हुआ 150 डिग्री। दैट मींस ये हमें पता चल गया 150 डिग्री ठीक है ये 150 है। अब हम लोग जानते हैं 135 कहां आएगा 120 और 150 के बीच में ठीक है। आए करेक्ट 135 मिलेगा या नहीं वो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 120 प्लस 150 अपॉन 2 बाईसेक्टर 120 प्लस 150 कितना होगा 270 270 अपॉन 2 270 का हाफ कितना होगा 135। तो हमें क्या एंगल मिलेगा 135 डिग्री। तो हम लोग 135 कहां कहां से करेंगे 120 और 150 से आर कट करेंगे। तो 120 से आर कट करेंगे हियर और यहां 150 से आर हियर। इस तरीके से हम लोग दो आर कट करेंगे तो हमें जो ये एंगल मिलेगा ये एंगल कितने का होगा 135 डिग्री का। ये एंगल क्या मिलेगा हम लोग को 135 डिग्री ठीक है। तो इस तरीके से हमें एंगल बनाना है। जो भी एंगल बनाना रहेगा हम लोग बाईसेक्टर का यूज करके एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करने के बाद उसमें शेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज के आप पूरे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।